होली का त्यौहार बस नजदीक ही है और इसी त्यौहार के साथ साथ इस बार चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ रही हैं। मतलब कि इस बार होली में रंगों के साथ साथ चुनावी शोरगुल भी सुनाई देने वाला है। चुनाव जब नजदीक है तो ऐसे में होली का त्यौहार कैसे इस लोकतंत्र के महापर्व से अछूता रहे। इस बार होली के त्यौहार में बनने वाली मिठाइयों में राजनीति के रंग मिले हुए हैं। दुकानदार भी इस बार त्यौहार पर चुनावी परत मिठाइयों में लगा रहे हैं। अब इन अलग अलग तरह की मिठाइयों को देखिए, है तो मिठाई लेकिन कोई साधारण वाली नहीं। साधारण गुजिया को राजनीतिक पार्टियों के सिंबल की शक्ल दी गई है और इसे खास बना दिया गया है। बीजेपी गुजिया भी है, कांग्रेस गुजिया भी है और तो और बीएसपी गुजिया भी है। साइकिल के डिजाइन को देखकर समाजवादी पार्टी गुजिया भी बनाई गई है। मिठाइयों में किसी एक दल को नहीं बल्कि हर राजनीतिक पार्टियों के सिंबल को लगाया गया है। इस बार है, ये चुनाव का भी माहौल है, चुनाव का भी पर्व है, होली का भी पर्व है, तो उनको सबको देखते हुए हमने राजनीतिक वाली गुजिया भी बनवाई है। जैसे बीजेपी की है, कांग्रेस की है, बसपा की है, सपा की है, ये डिमांड है वो हमने वो करी है। इन गुजिया को क्यों डिजाइन किया गया है और किस सोच के साथ डिजाइन किया गया है, एक सवाल ये भी है। ये खोया और मलाई से युक्त है, ये बनाया गया है, इसको इसमें मेवा भी है और इलायची है, काजू है, बादाम है, ये मेवा युक्त गुजिया है। ये गुजिया पर जब राजनीति का रंग चढ़ा हो तो ऐसे में खरीदार कैसे पीछे हट जाए। फौरन ऐसी मिठाइयों की ओर खरीदार भी खींचे चले आ रहे हैं। खास है यहाँ की गुजिया काफी टेस्टी रहती है और रेट भी यहाँ के अच्छे रहते हैं। और इस बार मुझको खास देखने को भी मिल रहा है कि एक तो चुनावी माहौल है, दूसरा त्यौहार होली का है, तो इस बार मैं शांति स्वीट में देख रहा हूँ विशेष प्रकार की पार्टी विशेष गुजिया रखी गई हैं। जैसे अखिलेश की साइकिल भी है, बसपा का हाथी भी है, कमल का फूल भी है, कांग्रेस का पंजा भी है। देश का चुनावी पर्व और होली का पर्व एक साथ आने से अब त्यौहार पर बनने वाली मिठाइयों पर भी राजनीति के रंग में रंग गई है और दुकानदार भी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं।